मीडिया के जो कैमरा मैन है यहाँ पे, अपने म्यूजिक वाले, इनको कहूंगा कि कैमरा उस तरफ रखें जिस तरफ से राहुल जी आ रहे हैं, अपने तुरंत वहां पे लगाएं इरा। पगड़ी पहना के ये डोगरा प्रशासित प्रदेश उनकी तरफ से इनको सम्मानित यहां पे किया जाए। डोगरा पगड़ी पहना के इनका सम्मानित यहाँ पे किया जाए। और इनका जिन हितग्राहियों से स्वागत करते हुए तक यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ। वहीं से विकार सूर साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने हमारे सारे साथियों के जज्बात के माध्यम से वो पहले राहुल गांधी जी को शाल पहना के उनको सम्मानित यहाँ पे करेंगे। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो, दोनों हाथ उठा के नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी आगे बढ़ाओ। मैं अब विकार सूद साहब से ग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे आए। राहुल जी आप देख सकते हैं कि आपके आने से कितनी लहर लोगों को के बीच में यहाँ पे दौड़ रही है, खुली भाव से आपका इस्तेमाल करने को आपके साथ मंच में कितने नेतागण यहाँ पे आए हैं। मैं अब विकार सूद साहब से कहूंगा कि वो आके यहाँ पे अपने भाषण के जरिए राहुल जी को भी सम्मानित करें।
जनाब राहुल गांधी जी जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से। मुझे लगता है आप इतना गर्मजोशी से स्वागत करने आए, मुझे लगता है एक बार और अपने हिसाब से आप ताली जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे लीडर, आपका दिल की गहराइयों से हम आज जम्मू कश्मीर की धरती पे स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, वेणुगोपाल जी एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मैडम रजनी पाटिल जी एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, पंजाब के हमारे प्रेसिडेंट राजा अरविंदर राजा वरिंग जी, हमारे अशोक गहलोत साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, तारिक हमीद करा साहब और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, ताराचंद जी, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, गुलाम अहमद मीर साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे मुजफ्फर शाह साहब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, हमारे हरीश चौधरी जी इंचार्ज पंजाब एआईसीसी, रंधावा जी एआईसीसी इंचार्ज राजस्थान, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी सारे साथी जो मंच पे हैं, उनका जिनका नाम मैं भूल गया उनसे उन्हें माफी मांगता हूं। मैं राहुल जी की खिदमत में दो चार शेर जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं उनकी खिदमत में पेश करता हूं। आपका आना मुबारक हो जनाब, आपके आने से उठे खिले हैं गुलाब, वक्त को है अब आपकी जरूरत, रहनुमा है आप बेशक लाजवाब, डूबने से जो बचाए कौम को आप ही ला सकते हैं वो इनकलाब। तालियों से स्वागत हो। डूबने से जो बचाए कौम को आप ही ला सकते हैं वो इनकलाब, जुल्म की आंधी जिन्होंने खेली है अब तो होना ही है उनको बेनकाब, चूसा है अब तक जिन्होंने गरीबों का खून, अब तो हम करेंगे उनको बेनकाब, कौम आपके साथ है राहुल जी, हम तो हो जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं जो आप कन्याकुमारी से आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं 3200 किलोमीटर पैदल चल के, हर गरीब का, बेवाओं का, हर मजहब और रंग और नस्ल का, हर कौम का, स्टेट का, हर स्टेट का दिल जीत के आज यहां पहुंचे हैं। जो आपके मुद्दे थे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाना, आज सरकार हिसाब देने पे मजबूर हो गई है। जिन बेरोजगारों को सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हम आपको साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिन लोगों को, गरीब लोगों को इस सरकार ने यह कहा था कि हम आपको महंगाई से मुक्त करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी उस वक्त कहां गैस सिलेंडर की कीमतें थी, कौन सी कीमतें राशन की थी, कौन सी कीमतें दूसरी थी, आपने इनकलाब लाया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजबूर होगी सरकार गरीबों को महंगाई कम करने के लिए, और वो सरकार जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी, राहुल गांधी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में होगी। और जो नफरत का बाजार बीजेपी ने जो नफरत और
नफरत और फिरका परस्ती इसमें देश में फैलाई थी उसको खत्म करने के जो आपने जो इकदाम उठाया, आप यात्रा करके इस जम्मू कश्मीर की धरती में आए, हम आपका वेलकम करते हैं। और जिन्होंने हमारी स्टेट छीनी, स्टेट का दर्जा छीना, स्टेट के दो हिस्से किए, इस स्टेट को यूटी बनाए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके भी हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ राहुल जी की दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप इस जम्मू कश्मीर की धरती पे प्रदेश आप आए और आप लोग आप सब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग आपकी राह तक रहे हैं और आगे जो है बहुत जबरदस्त यात्रा होगी। तमाम तबकों के लोग, चाहे वो डोगरा हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, गुजर हो, हर तबके के लोग आपका इंतजार करते हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लूंगा। बार अब ये मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब की टीम वो हमारे जम्मू की टीम को फ्लैग जो है वो हैंडओवर यहां पे करेंगे। पंजाब सेवा दल राहुल जी संघर्ष करो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, नफरत छोड़ो। राहुल जी की यात्रा ने काफी जोश यहां पे भर दिया, विपक्ष से डर निकाल दिया डरो मत का नारा देके, और आपने सर्दी का डर भी हमसे निकाल दिया टी शर्ट पहन के। मैं अब डॉक्टर फरूखुद्दौला साहब को गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे मंच में आए और अपनी बातें हमारे समक्ष सारे साथियों के सामने रखें। राहुल जी आपके हम आपको दिल से मुबारक, जरा खामोश रहिए कुछ थोड़ी देर, खुश खामोश दूर रहिए। पहली दफा कई सदियों पहले थे वो चले थे जिन्होंने मकसद क्या है की जा रही है, धर्मों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म नहीं है। आज वो भारत के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं बचे कहेंगे, अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए कि भारत को जोड़े, और इंशाल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है।
और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सकें, इज्जत से हमारी माए बहनें भाई चल सकें और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद, हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद, भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जय हिंद। दो मिनट में डोगरी कल्चर वो उनको ग्रह करूंगा कि फौरी तौर पे अपना कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे करें डोगरी आइटम पेश करके, और जितने भी झंडे थोड़े से डाउन कर दे ताकि राहुल जी डोगरा कल्चर को देख सके। और यही एक चाबी होगी हमें रियासत का दर्जा वापस लेने की, हम ये रियासत का दर्जा वापस लेंगे, यही ग्रह करेंगे और मंच से कहते हैं कि फौरी तौर पे शुरू कर दो, शुरू कर दो, करें झंडे नीचे कर दो, झंडे जो झंडे है ना इसके सामने, जो डाइस के सामने, बाकी नहीं खाली डाइस के सामने जो है वो नीचे कर दो। चलिए शुरू हो जाइए, गो अहेड, स्टार्ट द म्यूजिक प्लीज। डोगरा म्यूजिक शुरू कीजिए आप, प्लीज शुरू कीजिए। मैं अरे आपकी नारे हमने सुने, डिस्टर्ब मत करो, ये गलत बात है लाल सिंह, ये नारे मत दो किसी के, प्लीज प्लीज मैं नारे दूंगा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी। मैं राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पे आके यहां पे स्पीच अपनी दें। भारत जोड़ो, अभी डोगरो स्पीच के बाद राहुल जी से गुजारिश।